आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मणिपुर में बीते 3 मई से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में 2 जातीय समुदायों के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने मणिपुर में मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ट्वीट के जरिए मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर समस्या का समाधान निकालने की वकालत भी की है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 15 जून को ट्वीट कर हिंसा के लिए सीधे बीजेपी और पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से ज़्यादा दिनों तक जलाए रखा, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। प्रधानमंत्री ने देश को पूरी तरह विफल कर दिया है, आप पूरी तरह मौन हैं। हिंसा के इस चक्कर को ख़त्म करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। राहुल ने आगे लिखा है कि आइए इस नफरत की दुकान को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। जैसा कि आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 14 जून को इंफाल के पश्चिमी इलाके में अज्ञात लोगों ने महिला मंत्री और कुकी समुदाय के नेता नेमचा किनजेन के आधिकारिक आवास को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं एक जातीय संघर्ष के प्रभाव में थमने लोक इलाके में एक गांव में बुधवार को ही संदिग्धों ने हमले से 9 लोगों की मौत हो गई तथा 10 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। वहीं शांति कायम करने को लेकर मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राज्य मंत्री और विधायक दौरा कर रहे हैं। कोयनको को विस्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय ने 101 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी भी दी है। बता दें कि मणिपुर में महीना भर पहले नेता नेटी और कुकी समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था और इन हिंसक झड़पों के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। शांति बहाली के लिए राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। फिलहाल राज्य के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं इंटरनेट सेवाएं भी लंबित हैं। नेती समाज के अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग के विरोध में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से राज्य में हिंसक झड़पें शुरू हैं जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है।